इश्क इरफा की दौलत रशीदी में है। चाहते हो जमाने में तब जो चाहते हो जमाने में तब दबा रखना तो अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना, अपने मोहल्ले का नाम अहमद रजा रखना। बढ़िया नहीं लग रहा? सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, सुन्नते थमक पैदा कीजिए, थमक गूंज नहीं हो रही है। सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, मैं अदब से सलाम करता हूँ। बलगलोला बे कमाले ही, कशबत चुटा बे जमाले ही, हसन जमी और खताले ही, सल्लू अलैहि वाले ही। उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है, उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जल भये हुजूर होता है। उसी में मेहर बाप रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जल भये हुजूर होता है। आशिका ने चाहे अंबला दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दुरूद मुस्तफा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादे तौहीद के मत वालों, शमे नबूवत के परवानों, गौतो खाजा के दीवानों, औलिया उम्मत पे जान देने वालों, सुन्नी सही अकीदा कादरी चिश्ती बरकाती अशरफी रदवी सुन्नी जन्नती मुसलमान। सदमे ने मजलिस पूर में मजलिस मुस्तफा, मजलिस में मजलिस, जी जी बेशक, मजलिस में मजलिस, जलसा का नाम रखा है इस्लाहे मुआशरा। नाम बड़ा अच्छा है लेकिन ठीक इस नाम के सामने इसी के छज्जियां उड़ाई जाए। औलमा देख रहे हैं, नाम है इस्लाहे मुआशरा, ठीक इसके रूबर उसकी छज्जियां उड़ाई जा रही है। यार इस्लाहे मुआशरा, हम मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम मसलक के आला हज़रत मसलक की अबू हनीफा है, मसलक की आला हज़रत मसलक की अबू हनीफा है। और हमारे मसलक में सबके लेना देना सब नजायज जो हराम है, बंद कर दीजिए इस्लाहे मुआशरा ही। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े सुभान अल्लाह, अरे पढ़िए सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए माशा अल्लाह, बोल दीजिए या रसूलुल्लाह, कहिए या नबी अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदब इस्लाम, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सरजमीन मजलिस पूर, अलचल सिमानी। उलमा ने बता दिया होगा किसला है माशरा कॉन्फ्रेंस की सरप्रस्ती किसकी है, सदारत किसकी है, हिमायत किसकी है, सियादत किसकी है, क़यादत किसकी है, नियाबत किसकी है, नज़ामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खताबत किसकी है, फजाहत किसकी है, बलागत किसकी है, शायरी की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा, कौन इश्क के समंदर में गोता लगाएगा, कौन इश्क की बुलंदियों को दूर तक छुएगा। वो बता दिए होंगे कि फजाहतुल तमाम और बलागतुल तमाम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा। मैं उधर जाना नहीं चाहता, सीधे वहीं से शुरू होने चाहता हूँ जहाँ से कारिया कुरान, हाफिज कुरान, ताई कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद के तिलावत करीमा से किया है। कुरान करीम की तिलावत तिलावत करीमा के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन मजलिसपुर में शुरू हो गई है। कुरान करीम की तिलावत हो गई, कुरान पढ़ा गया, कुरान सुन लिया गया, कुरान की तिलावत हो गई, कुरान समाज कर लिया गया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चुमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजाना ए मियां इबादत है। कुरान एक ऐसी किताब जिसकी कोई मिसाल नहीं, कोई सानी नहीं,
कोई नजीर नहीं, कोई उदाहरण नहीं, ए मियां कोई एग्जांपल नहीं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिस पर दुनिया के लगभग 1,80,00,000 मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं। उसी किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया हलचल शिवानी को एक कदम आगे बढ़कर कह लेने दिया जाए। क्या आपने उस किताब की तिलावत समाप्त कर ली जिसे पढ़ने सुनने के चक्के में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को ईमान की दौलत। कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की उचतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो, कुरान के फरमान को देखो। शायर कहता है नबियों में सबसे आला उतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला उतबा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। नबियों में सबसे आला उतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला उर्दवा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला उर्दवा मेरे नबी का कुरान पढ़ रहा है, खुदवा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर अलचल शिवानी अपनी कौम को खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रसाले नहीं कुरान संभालो। रंगीन रंगीन रसाले नहीं कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ईमान संभालो, कुरान को निगाह में रखिए, शेर मुलाहजा कीजिए। जब जमीन पे आसमान से नूर का इंसान आया, क्या बात, जमीन पे आसमान से, जमीन पे आज ये इलाका, ये मेरी बयानी के लोग हैं जी जी, कोई लोग पोस्टर पर गया है जी, भाग गया पोस्टर पर, ये पोस्टर समी पे आसमां से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है। सुभान अल्लाह। शान में अल्लाह का कुरान आया है, समी पे आसमां से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है। अरे बोलिए ना, आलिम को देखना, माँ को देखना, बाप को देखना, कुरान को देखना, बुजुर्गों को देखना, औलिया कामिलीन को देखना, मजारात को देखना, बीबी को देखना, क्यों हंसी, अपनी बीबी को भी देखना सवाब, लेकिन अपनी बीबी को समझना, अपनी बीवी को देखना, अरे बोलो यार, अपनी बीवी को देखना समझना। कुरान करीम को निगाह में रखिए, शेर मुलाहजा करें आप। क्या ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छे। ईमान का सबूत तमन्ना है मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह। उस गंदगी से मुझको नस्तफीने की तरफ जाता है। वाह क्या बात है। नस्ताहिल नस्तफीने की तरफ जाता है, नस्ताहिल नस्तफीने की तरफ जाता है, इश्क पैदल ही मदीने की तरफ जाता है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैदल ही इश्क, पैदल ही मदीने की इश्क के पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सदा सदा। आह पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लपे सदा सदा कर कर निशान होंगे खुदा की रहमत। सुभान अल्लाह क्या बात। तो माइक के आपका मेहमान आपके हवाले, इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मौजूदा कॉन्फ्रेंस, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत।